तो वीडियो बना रहे यार, अपने आप हो गई, मैंने तो फोटो बोला था। अबे यार तेरे नथिंग लाइक बुलिंग योर यंगर कजिन्स। कौन कौन एग्री करेगा मेरे साथ? तो ये था मेरा भाई क्षितिज, जिसकी मैं बहुत लाइक बुलिंग करती हूँ, लेकिन बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसे शुरू हुआ था हमारा डे 5 इन ऑस्ट्रेलिया। दिन काफी गुफ अप से भरा है, ब्लंडर जी ब्लंडर है इसमें, टूरिज्म के नाम पे कह सकते हैं, मगर थंडर्स हैं इमोशंस में। सो ये दिन और डेडिकेटेड है एक तो क्षितिज प्यारा सा बच्चों उसको, और दो और लोग हैं जो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। वैसे तो सभी मेरे खास होते हैं, सब फैमिली रिलेटिव्स, आई रियली लव स्पेंडिंग टाइम विद देम, मगर ये खास था क्योंकि ये लोग ऑस्ट्रेलिया में है। तो तीन लोग के नाम जिनके है ये दिन, वो आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा। तो देखते हैं फिर, चले चलते हैं, चलते हैं मेलबर्न घूमते। सी यू। हाँ जी, तो हुआ कुछ ऐसा था कि डे 4 जो था उसमें क्षितिज के घर रुका था निशु और मैं तो वहाँ थी ही। तो हम लोगों ने इतनी गप्पे लगाई ना, मैंने निशु क्षितिज ने, 4 बजे तक सुबह के हम बात करते रहे और प्लान और अनप्लान करते रहे कि क्या करें नेक्स्ट डे। और इस चक्कर में लेट सोए लेट उठे। कशिश ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो भी आ जाएगा। दिस वॉज रियली स्पेशल, क्योंकि मैं जब छोटा था उतनी बात नहीं होती थी। कशिश भी आने वाला था तो आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बट हम सोते ही रह गए और उठे और भागे। तो ट्रेन में हमने रियलाइज किया हम इमेजिनेरिया जाना जा रहे थे और इमेजिनेरिया की टिकट्स नहीं अवेलेबल हो रही थी। आई थिंक वो ट्यूजडे था या जो भी डे था, और 5 मिनट बाद हमने रियलाइज किया कि वो टिकट अवेलेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो ट्यूजडे क्लोज होता है, वो मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे क्लोज होता है, वो थर्सडे ऑनवर्ड्स खुलता है। तो फ्लॉप शो वहाँ से शुरू हुआ, फ्लॉप शो खैर यहाँ से शुरू हुआ कि हमने 4 बजे तक बड़ी मस्ती मारी है। सो एनीवेज, तो फिर हमने उसको कैंसिल किया। क्षितिज ने कहा हम द लूम जाएंगे, कशिश ने हमें ज्वाइन किया विच वॉज टोटली स्पेशल। सो देख ही रहे हो आप लोग, कशिश एंड क्षितिज, आई वॉज लाइक वॉकिंग विद दीज टू हैंडसम डूड्स। तो मैं बस अपने आप में खुश हो रही थी कि मेरे के तो भाई हैं, लेकिन जनता जनार्दन को क्या लगेगा कि दो हंक्स वॉकिंग विद टू गाइज एंड बोथ ऑफ देम आर डिस्टिंग्विशली वेरी गुड लुकिंग। एक बहुत ही क्यूट है, एक बहुत ही डैशिंग है, बताने की जरूरत नहीं है कौन सा कौन है। तो हम पहुंच गए लूम। वाओ, बहुत ही सुपरली इंटरेस्टिंग, लुक एट दिस, क्या बात है, अमेजिंग। ये हुआ ना कुछ एक्सपीरियंस, कमाल का ही एक्सपीरियंस। देखो कैसी दिख रही हूँ मैं भाई। तो मेरे भाई आए हैं आज मेरे साथ, तो आज ना पिक्चर्स भी लिमिटेड है और व्लॉग तो सुपर लिमिटेड है। दिखाऊं, दिख रहे हैं क्या? एक तो ये रहा, दूसरा अलग आ गया, पता नहीं। बट व्हाट अ प्लेस, आउटस्टैंडिंग। दिख रहा है एक्चुअली, worth it, it's an experience. घर पे हो ना, हाँ दिखाऊंगा इसको। तूने छोड़ ही दिया इंस्टाग्राम? मैंने छोड़ दिया, बट आप मेरा इंस्टाग्राम एक्सेस कर सकते हो? नहीं, it's not there anymore. इंटरनेट नहीं
एज यू कैन सी द मोमेंट वी एंटर लूम ओ माई गॉड इट वॉज अ स्टनिंग साइट. सब कुछ इतना मेसमराइजिंग सा था, लाइक फ्लोर पे भी आपको पिक्चर्स, मूविंग पिक्चर्स एंड सच सूदिंग ब्लिसफुल म्यूजिक के साथ कैमोफ्लेज होके वाव लग रहा था, सब कुछ बहुत ही वाव लग रहा था. लेकिन बहुत ही जल्दी बिफोर आई कुड कैप्चर इट ढंग से इन माय वीडियो आल्सो, क्योंकि पहले मैं ऑस्टक थी, उससे पहले ही उसका ना फिर थीम चेंज हो गया. विद ड्यू रिस्पेक्ट, और बहुत सारे आर्टिस्ट का उसमें एग्जिबिट था, तो वो थीम जो थी वो फिर मेरी समझ के थोड़ी बाहर थी. एंड आई थिंक कशिश क्षितिज के लिए भी, तो हम थोड़ा देर तो बैठे लाइक ऑस्टक से धीरे धीरे हम स्टक फील करने लग गए थे. चलो चलते हैं, लेकिन $55 का टिकट था यार, $50-55 पर हेड सिर्फ टिकट था. तो वो कैलकुलेशन इंटरचेंज इनटू इंडियन मनी करके तो बहुत डर लग रही थी. तो बैठे रहे थोड़ा, बैठे थोड़ा, नहीं नहीं क्या करेंगे, ये कुछ तो समझ नहीं रहा. फिर रियलाइज किया कि वहाँ पे कुछ गार्डन एरिया टाइप भी होता है. जबरदस्ती जाकर मैंने वहाँ पे कोशिश करी कि मैं स्टैंड कर लूँ. नो डाउट इट वॉज गॉर्जियस, बट समहाउ एक तो मेरा भी मेन फोकस ऐसा हो रहा था कि क्षितिज कशिश ये दोनों इतने टाइम बाद मिल रहे हैं, लाइक आफ्टर अ डेकेड आई एम मेट देम, तो बातें ही कर ली जाए अभी ये. निकल गए लंच के लिए और हम बहुत एक्साइटेड थे, हम कहां खाना खाएंगे. पर क्या हुआ, मुझे बुरा लगा इसलिए ये ले नहीं हूं मैं तो. मिल लो ऐसी जगह जाओ तो 3-4 घंटे बैठ के आओ. अच्छा अब बता चल रहा है ब्रूनेटिस भी, तुम दोनों डिसाइड कर लो, मेरे को तो चलेगा. इसको जितना टाइम है ना, कशिश को उसके हिसाब से. मैं तो जल्दी-जल्दी खा के पहले ही निकल सकता हूं. नहीं कर सकता आप, क्योंकि टाइम आने का टाइम लगेगा. ब्रूनेटिस 16 मिनट लगेंगे. ठीक है finally 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 and the cheesecake and the coffee. ha ha ise kehte jannat, meri jannat mil gayi. वैसे मुझे बहुत अच्छा सा इटालियन खाना खाना था, पर हम लोग लेट हो गए हैं वो लूम के बाद, सो लंच टाइम इज ओवर ओनली फ्रॉम द शेल्फ. तो ये मगर ये मजेदार है, सो गुड. कॉफी मेरी अच्छी. सो हुआ ये कि जब तक हम पहुंचे अपनी पसंद की जगह पर, नाम मेंशन किया था मैंने क्या,
सो व्हाटएवर जगह उधर 3:15 हो गया था, तो लंच टाइम निकल गया था. सो दे जस्ट सेड कि फ्रॉम द शेल्फ जो है सो है, लाइक किचन इज क्लोज्ड, सो फ्रॉम द शेल्फ दे विल ओनली सर्व. तो फिर मैंने थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कॉफी ले लिया, मगर जब तक कशिश अपनी डिश लाया, इट लुक अमेजिंग यार. वो एवोकाडो कुछ क्रिस्पी रोल था एंड बहुत ही यम्मी दिख रहा था वो, और सब कुछ अच्छा ही था. तो एनी विच वेज मैंने तो उसका भी खा लिया, उसने मुझे हैप्पीली दे भी दिया. थोड़ा थोड़ा ब्लंडर, एज यू कैन सी स्ट्रिप में थोड़ा थोड़ा ब्लंडर जारी है. बस इमोशन बहुत आई है क्योंकि इतनी बातें होती है. क्षितिज से तो मैं बचपन में बहुत बातें करती थी, हम दोनों साथ में मिलके सॉबिंग सल्किंग एंड गॉसिप सब कर लेते हैं. कशिश के साथ ये मेरा पहली बार था, सो इट वॉज नाइस, इट वॉज स्वीट जेस्चर ऑफ हिम कि वो मेरे बोलने से आ भी गया, जबकि कह सकते हैं हम दोनों की पहले से कोई केमिस्ट्री नहीं थी, बट दैट्स सो नाइस ऑफ यू. नाउ वी हैव अ केमिस्ट्री बिकॉज ही केम एंड वी डिड स्पेंड अ गुड टाइम टुगेदर. हुआ ये कि कशिश की कुछ अर्जेंट मीटिंग निकल आई, वो तो निकल गया, और उसके बाद मैं और क्षितिज वापस पहुंच गए विक्टोरिया गार्डन, और हमने जो बातें करी हैं, जो बातें करी हैं ना, हमने नेवर एंडिंग बातें, वो तो सब कॉन्फिडेंशियल है, मैं कुछ नहीं बता सकती. तो इसलिए वो टाइम में कोई पिक्चर्स कुछ नहीं, द डे वॉज डेडिकेटेड टू टॉक्स, टू लॉट ऑफ टॉक्स. और उसके बाद भी आई रियलाइज कि भाभी जो हैं, कंचन भाभी, उनको ट्रैवल करना था बिकॉज ये ट्रिप पहले से उनका प्लान था, वो कहीं जा रही थी. सो सडनली आई गॉट इमोशनल कि अब वो मुझे नहीं मिलेंगी बिकॉज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. मैं जाऊंगी घर पर, वो अपने ही घर पे नहीं होंगी, वो जा चुकी होंगी अपनी फ्लाइट के लिए, और फिर जब तक वो वापस आएंगी तब तक मैं इंडिया आ चुकी होंगी. देन आई वॉज हाईली इमोशनल एंड आई मेड क्षितिज रन, चलो भाभी के पास. वो अपने घर से निकल चुकी थी और अपनी फ्रेंड के घर से उन्होंने कैब बुक करी थी, शॉफर ड्रिवन स्टाइल में, कुछ उनका हॉलीडे प्लान था. और सरप्राइजिंगली हम लोग बस, हम ट्रेन के बाद बस में जो गए हैं, मम्मी और गीता मम्मी वहीं मिल गए हमें, बट हमने उनको बुलाया, आप लोग घर जाओ, हमारा कुछ और प्लान है. एंड लाइक वी वर चेजिंग शाहरुख खान, उस वाइब के साथ हम भाभी के पास पहुंच ही गए. एंड बिट इमोशनल, बिट कजल सम मोमेंट, भाभी को सी ऑफ किया, और उसके बाद देन अगेन लॉट्स ऑफ टॉक्स. फिर ऐसे ही हो गया वो दिन, बहुत बातें करी, बहुत अच्छा लगा. एंड आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा, तभी तो आप यहाँ तक पहुँच गए हो. सो थैंक यू फॉर दैट. दिल से आई लव ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, यू गाइज आर देयर ऑलवेज टू सपोर्ट मी. आपका प्यार ही है कि मैं ये व्लॉग्स बनाती जा रही हूँ, और मुझे बड़ी मज़े आते जा रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. बहुताय से बहुताय कृतज्ञताएं समक्ष कह रही हूँ मैं आप सभी को, हार्टिएस्ट बेस्ट विशेज मेरी तरफ से. ठीक है, तो अब आप ये वाला जो वीडियो है ना, ये भी देख लेना, क्योंकि आपको तो मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो ये वाला भी डेफिनेटली आपने अच्छा लगाना ही है. सो सी यू देन, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. साइनिंग ऑफ, योर फेवरेट आस्था अग्रवाल.